अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नहीं एक वीडियो के साथ। दोस्तों आज मैं आपको एक और बेहतरीन किस्म की जो सब्ज़ी है जो वाइडली अवेलेबल है लेकिन हमारे यहाँ पे कम लोग खाते हैं, किसी ईद त्यौहार में चले जाएं या किसी फंक्शन में चले जाएं, शादी के फंक्शन में चले जाएं तो वहाँ में सैलड में से मिल जाता है या रेस्टोरेंट में भी ये मिल जाता है सैलड में, लेकिन आम रोटी में लोग इसे कम खाते हैं, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद जो सब्ज़ी है। तो आज मैं आप लोग को चुकंदर के फ़ायदे बताऊँगा यानी बीट रूट के। दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली ये जिगर के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं आपको इसके कुछ नुकसान भी बताऊंगा और फ़ायदे भी बताऊंगा। चलिए मैं आपको दोस्तों पहले इसके फ़ायदे बताता हूँ। चुकंदर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ऐसे लोग जो ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, कभी लो होता है उनका, कभी हाई होता है, मॉडरेट नहीं रहता और ऊपर नीचे होता है, तो अगर वो चुकंदर का जूस पिए या सैलड का इस्तेमाल करें डेली अपनी खुराक के अंदर मुनासिब मकदार में लें, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है लेवल पे रहता है, हार्ट के अंदर जो ब्लड है बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होता है। अगर आर्टरीज ब्लॉक है तो ये आर्टरीज को ओपन कर देता है और खून के रवानी बहुत अच्छे तरीके से दिन में करता है, जिससे आपके जिस्म के सारे अफाल बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और ऐसे लोग जो मुख्य किस्म के सोजिश का शिकार है, गिल्टियाँ, कैंसर उनका इनिशियल स्टेज पर है या खुदा न खासा सेकेंड थर्ड में चला गया है, तो इसके जूस पीने से कैंसर के खलियात तबाह हो जाते हैं और कैंसर ख़त्म हो जाता है। और अगर आप इसे खुराक में शामिल करते हैं रूटीन में तो आपको कैंसर से भी महफूज करती है सब्ज़ी। और दोस्तों ऐसे लोग जो कमज़ोरी का शिकार है, एनर्जी उनमें कम होती है, तो ये स्टेमिना को इंक्रीज़ करता है, एनर्जी देता है जिस्म को इसका जूस पीने से। और अगर आपका खून ख़राब है, आपकी जिल्द ख़राब है, अगर आपकी जो स्किन जो टोन है उसके ऊपर छाइयाँ पड़ी हैं, कील मुहासे हैं, आपकी जिल्द स्याह हो चुकी है, जूस निकाल के पियेंगे तो आपकी जो स्किन है उसे स्ट्रेच करता है, स्पॉटलेस करता है, कील मुहासे दूर करता है, चमकदार करता है जिल्द को, अगर रिंकल्स पड़े उसे स्ट्रेच कर देता है, एंटी एजिंग है ये, तो इसका ये भी एक इस्तेमाल है। और दोस्तों इसके अंदर विटामिन ए भी पाया जाता है जिसकी वजह से ये आँखों के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, कुव्वत मुदाफियत को यानी कि स्ट्रॉन्ग करता है, अब भूख लगाता है मुनासिब मकदार में लेंगे तो। फुल ऑफ विटामिन है इसमें, मिनरल्स भी सारे होते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों ये बहुत ही एक अच्छी जो है मुफीद सब्ज़ी है। जिगर आपका बड़ा हुआ, जिगर सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो आप इसे अपनी खुराक का जूस बनाएं तो आपको ये जो है बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपका जिगर जो है क्लेंस आप करना चाहते हैं तो इसका एक ग्लास जूस पी लिया करें हफ्ते में एक से दो दफ़ा। चले दोस्तों ये तो थे चुकंदर के चंद फ़ायदे, अब आते हैं कुछ इसके नुकसान की तरफ। दोस्तों इसके जो एक मेन नुकसान होता है, अगर आप इसे अपने खुराक के अंदर शामिल करते हैं तो आपका जो यूरिन है वो पिंक कलर का आएगा यानी पेशाब आपको जो है थोड़ा सा गुलाबी सा आएगा। और दूसरा, अगर इसे आप एक्सेसली यूज़ करें हफ्ते में यानी दो दो ग्लास पीने इसके, या आप हाफ हाफ केजी के करीब से खा रहे हैं यानी हाई मकदार में से खा रहे हैं, तो आपकी किडनीज को ये डैमेज कर सकता है, इस वजह से आप इसे मुनासिब मकदार में लें। डेली आप 250 ग्राम जो है एज अ सैलड में उसी औकात में खा सकते हैं। दोस्तों ये तो थे इसके नुकसान। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो बीट रूट के फ़ायदे और जो है नुकसान पसंद आए होंगे। मुझे इजाज़त दें कि जल्द हाफिज़, टेक केयर।